गाइस देखो मैं तो हूँ फिटनेस फ्रीक, मुझे तो ऐसी जगह पे घर चाहिए जहाँ पे मुझे फर्स्ट डे से सारी फैसिलिटीज जो है वो ऑपरेशनल मिले। तो आज मैं आपको ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट में लेकर आई हूँ जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज फर्स्ट डे से मिलने वाली हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी 3BHK जहाँ पे आपके सारे जो फ्लैट्स हैं वो कॉर्नर फेसिंग रहेंगे एंड पार्क्स के बिल्कुल सामने रहेंगे। तो आप देखिए कुछ ग्लिम्स, मैं तब तक अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेती हूं। मेरे पीछे देख सकते हैं ये है हमारे आज के प्रोजेक्ट का एंट्री एंड एग्जिट गेट एंड हमारे आज के प्रोजेक्ट का नाम है अल्टूरा अपार्टमेंट्स। तो गाइज आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे जो एंट्री एंड एग्जिट गेट है वहाँ पे आपके सिक्योरिटी का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये लोकेटेड है आपके जरकपुर में एंड कनेक्टेड है विद योर टू मेजर हाईवेज। फर्स्ट इज़ योर PR7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड एंड सेकेंड इज़ योर अम्बाला दिल्ली हाईवे। तो लाइक आपको यहाँ से ईजिली आपके सारे नियर बाई स्टेट्स का एक्सेस मिल जाता है। तो आइए हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। सो गाइज हमारा जो आज का प्रोजेक्ट है उसकी जो कंप्लीट टाउनशिप है वो है 5.25 एकड़ की, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको सारी अमेनिटीज़ मिल जाएंगी, आपको पार्क्स मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आपको 7 टावर्स मिल जाते हैं जो आपके रेजिडेंशियल टावर्स हैं एंड इसमें आपका S+11 to S+14 का पूरा कंसेप्ट रहेगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बार आउटर एलिवेशन आप देख सकते हैं पूरे प्रोजेक्ट का। फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पर रह रही हैं तो आपका ये जो आज का प्रोजेक्ट है ये आपका रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, आपको बस आना है और यहाँ पे रहना है। एंड आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं मैं खड़ी हूँ आज के हमारे प्रोजेक्ट के एक बहुत ही बड़े पार्क में जहाँ पे आपको किड्स प्ले एरिया भी मिल जाता है, आपको यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक भी मिल रहा है, प्लस आप ग्रीनरी भी देखिए कितने अच्छे तरीके से मेंटेन की गई है, प्लस आपको यहाँ पे और भी बहुत सारी इम्यूनिटीज़ मिल रही हैं लाइक योर क्लब हाउस जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली। तो अब मैं आपको क्लब हाउस दिखाती हूँ। गाइस अब मैं आ चुकी हूँ क्लब हाउस के बाहर। आप देख सकते हैं बाहर से क्लब हाउस का व्यू जहाँ पे आपको सारी जो चीज़ें हैं वो ऑपरेशनल मिलेंगी फर्स्ट डे से ही जब भी आप यहाँ पे रहने आएंगे। तो आइए हम चलते हैं क्लब हाउस के अंदर और मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ। सो गाइज ये है आपका पूरा 6000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस जिसमें एंट्री में ही सबसे पहले आपको यहाँ पे रिसेप्शन डेस्क मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप आएंगे यहाँ पे आपको कम्युनिटी हॉल मिल जाएगा जहाँ पे आप अपनी छोटी मोटी पार्टीज, आपकी किटी पार्टीज, छोटी मोटी गैदरिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे सिटिंग स्पेस भी है एंड मूविंग फॉरवर्ड। सो मूविंग टू दिस साइड ये रास्ता है आपको स्विमिंग पूल के लिए जहाँ पे आपको लॉकर्स मिल जाते हैं, 2 वॉशरूम यहाँ पे अवेलेबल हैं एंड ये रास्ता आपका स्विमिंग पूल तक लेके जाएगा आपको। आइए सो ये है आपका स्विमिंग पूल एरिया जहाँ पे आपको स्विमिंग पूल मिल रहा है बहुत बड़ा सा एंड आपको यहाँ पे 2 सेक्शन मिल रहे हैं। आपका किड सेक्शन जो है वो अलग से है स्विमिंग पूल में भी, तो आपके बच्चे भी मतलब स्विमिंग कर सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं एंड आप भी मज़ा ले सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ प्रोजेक्ट का जिम एंड एंटरटेनमेंट जोन। सो बेसमेंट में आके यहाँ पे रहेगा आपका एंटरटेनमेंट जोन जहाँ पे आपको आपके लिए बहुत सारी गेम्स दी गई हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे कैरम बोर्ड दिया गया है एंड सिटिंग के लिए भी आपको स्पेस दिया गया है। यहाँ पे भी आपको टेबल दिया गया है, प्लस इस साइड भी आपको गेम्स मिल रही हैं जहाँ पे आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। प्लस अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ आपको मिल जाता है जिम जहाँ पे आप अपनी फिटनेस का ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि मेरे को फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, तो अगर आप भी ऐसे फिटनेस फ्रीक हैं तो ये आपके लिए है, आप यहाँ पे एक्सरसाइज करिए आके। सो मैंने आपको दिखा दी सारी अम्यूनिटीज़, अब हम चलते हैं हमारे सैंपल फ्लैट की तरफ। सो दिस इज़ द लॉबी एरिया ऑफ द अपार्टमेंट। एक फ्लोर पे आपके 4 अपार्टमेंट्स रहेंगे एंड आपके फ्लैट में एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे 2 लिफ्ट मिल जाती है एंड आपको यहाँ पे एक स्टेयरकेस भी मिल जाता है। तो आइए हम चलते हैं हमारे फ्लैट के अंदर। फ्लैट में अंदर जाने से पहले मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे आपको वीडियो कॉल का ऑप्शन भी मिल रहा है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। सो गाइज एंट्री में ही आपको यहाँ पे मिल जाता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डोर विद डिजिटल लॉक एंड अंदर आप आएंगे इस साइड आपको यहाँ पे मिल जाता है फर्स्ट बेडरूम जो कि आपका गेस्ट बेडरूम भी हो सकता है, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले जैसे हम अंदर एंटर करते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका ड्रॉइंग एरिया। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेशियस ड्रॉइंग एरिया यहाँ पे आपको मिल रहा है।
आपको यहाँ पे मिल जाती है एक नेचर अट्रैक्टिंग बालकनी। आप पहले व्यू देखिए सामने का कि आपको बालकनी से व्यू कैसा मिलने वाला है, पूरा ग्रीन व्यू, पूरा पार्क का व्यू आपको यहाँ पे मिलने वाला है। प्लस अगर मैं बालकनी की बात करूँ, काफी स्पेशियस आपको बालकनी मिल रही है यहाँ पे, जो कि आपकी रनिंग बालकनी रहेगी। आपके फर्स्ट बेडरूम, ड्रॉइंग, डाइनिंग, आपके सेकेंड बेडरूम एंड थर्ड बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है। आप एक बार यहाँ पे लुक दीजिए, आपको बिल्कुल एंड तक यहाँ पे बालकनी मिल रही है जो कि काफी स्पेशियस है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एसी की डक्टिंग मिल रही है। प्लस बिल्कुल सोफा के सामने यहाँ पे आपको एलईडी पैनल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। प्लस अगर आप इस साइड देखेंगे, यहाँ पे भी आपको काफी स्पेस मिल रहा है जहाँ पे आप चेयर्स ऐड कर सकते हैं विद छोटा सा टेबल आप यहाँ पे लगा सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप सिटिंग स्पेस बना सकते हैं। प्लस आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपके डाइनिंग एंड ड्रॉइंग एरिया को सेपरेट किया गया है इस पार्टीशन से। ऐसा आप भी कुछ अपने घर में कर सकते हैं, इट विल लुक वेरी गुड। एंड इस साइड का अगर आप वॉल देखेंगे, इसको बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है विद मिरर्स, जो कि आप भी यूज कर सकते हैं अपने घर में, इट विल लुक अट्रैक्टिव। एंड ये है आपका डाइनिंग एरिया, जहाँ पे अभी इन्होंने 6-सीटर डाइनिंग ऐड करा हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे हमारे पास। एंड इस साइड आप देखेंगे, यहाँ पे आपको प्लेन वॉल मिलने वाला है, जिसको आप अपने तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। और डाइनिंग एरिया के बिल्कुल सामने है हमारा किचन, जो कि आपको यहाँ पे फुली मॉड्यूलर किचन मिल रहा है विद अपर एंड लोअर कैबिनेट्स। आप देखेंगे काफी स्पेशियस कैबिनेट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं लोअर में भी। प्लस यहाँ आ जाता है आपका वेट एरिया, जहां पे आपको ड्यूल सिंक मिल रहा है विद मूविंग फॉसेट। इस साइड भी आपको ग्रेनाइट का यहाँ पे टॉप है आपका, इस साइड भी काफी स्पेस मिल रहा है, यहाँ पे आप अपना चिमनी ऐड कर सकते हैं। प्लस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपको यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए एक छोटा सा बालकनी मिल रहा है, जिसको आप अपना यूटिलिटी एरिया भी बना सकते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, ये दिखा दिया मैंने आपको हमारा आउटर स्पेस, लाइक योर ड्रॉइंग, डाइनिंग, योर किचन। अब हम चलते हैं हमारे रूम्स की तरफ। तो यहाँ है आपका फर्स्ट बेडरूम बिल्कुल किचन के साथ, काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है आप जैसे देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। यहाँ पे बेड ऐड किया गया है एंड आप देखेंगे यहाँ पे साइड में टेबल भी ऐड किया गया है, फिर भी हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस रूम में बच रहा है। इस साइड आप देखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल सामने आपका एलईडी पैनल आ जाएगा, आप यहाँ पे अपना एलईडी लगा सकते हैं। एंड इस रूम में भी आपको बालकनी मिल रही है, जो कि मैंने आपको वहां से दिखाई थी, जो आपकी रनिंग बालकनी थी। प्लस आप पीछे देखेंगे कितना ज्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया, आप भी कुछ ऐसा अपने रूम में कर सकते हैं। प्लस आप फ्लोरिंग देखेंगे, यहाँ पे वुडन का फ्लोरिंग हो रखा है आपका। एंड मूविंग टू दिस साइड, यहाँ पे आ जाता आपका वॉकिंग क्लोजेट, कबर्ड्स आ जाएंगे आपके विद स्लाइडिंग डोर। एंड यहाँ आ जाएगा आपका वॉशरूम, जो कि काफी स्पेशियस है, सारी ब्रांडिंग फिटिंग के साथ आपको पूरा वॉशरूम मिलने वाला है। Now let's move to our second room. So इस room के बिल्कुल साथ में यहाँ आ जाएगा आपका second bedroom, जिसको इन्होंने utilize किया है kids bedroom के तरीके से। आप चाहेंगे तो आप जैसे चाहेंगे वैसे utilize कर सकते हैं। आप देखेंगे कितने beautiful तरीके से इन्होंने kids bedroom को decorate किया गया है। आप अगर इसको kids bedroom बनाना चाहते हैं, तो आप भी कुछ इस तरीके से इसको decorate कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें भी रखी गई हैं, जो बच्चों के मतलब की हैं, लाइक बच्चों को जैसे खिलौने पसंद ही होते हैं, हमें पता ही है। प्लस यहाँ पे भी इन्होंने एक वुडन का पीस ऐड किया है, आप भी यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप अपना एलसीडी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस साइड आप आएंगे, यहाँ पे आ जाते हैं आपके कबर्ड्स, अगेन विद अ गुड स्पेस। एंड इस साइड अगर आप आएंगे, यहाँ पे आ जाता है आपका वॉशरूम, काफी स्पेशियस वॉशरूम है विद ऑल ब्रांडिंग फिटिंग। एंड आपको वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो भी मिल रहा है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ, जो है सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। सो यहाँ है हमारा थर्ड बेडरूम, जिसको आप अपना गेस्ट बेडरूम भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एंट्री में है। ये भी आपका काफी स्पेशियस बेडरूम है, आपको कबर्ड्स मिल रहे हैं यहाँ पे भी विद गुड स्पेस, काफी स्पेस है ऊपर से नीचे तक आपके पास यहाँ पे। एंड इस साइड आप आएंगे, यहाँ पे आपको एलईडी पैनल यहाँ पे लगा सकते हैं, आप एलसीडी अपना इंस्टॉल कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट का मजा ले सकते हैं। प्लस यहाँ पे भी आपको बालकनी मिल रहा है, जो कि मैंने आपको बाहर से दिखाया था, रनिंग बालकनी था आपका। एंड यहाँ पे आ जाएगी आपकी एसी की डक्टिंग। आप पीछे एक बार वॉलपेपर भी देखें,
इतना ब्यूटीफुल वॉलपेपर यहाँ पे ऐड किया गया, आप चाहेंगे तो ऐसा कुछ आप भी अपने रूम में ऐड कर सकते हैं, इट विल लुक सो ब्यूटीफुल। एंड यहाँ आ जाएगा आपके रूम का वॉशरूम, अगेन काफी स्पेशियस वॉशरूम है विद ऑल ब्रांडिंग फिटिंग्स। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो भी मिल रहा है। Guys, it's all about our today's video, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया एक 3 BHK apartment जिसमें आपको 3 bedroom plus attach washroom के साथ मिल रहे हैं, आपको kitchen, आपका drawing, dining जो है बिल्कुल separate मिल रहा है। अगर मैं project की बात करूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारी amenities मिल रही हैं project में, जो कि आपकी utilization में already आ चुकी हैं, लोग वहाँ पे उनको utilize कर रहे हैं, बहुत सारी families यहाँ पे already residing हैं। तो like ये जो आपका place है, ये ready to move place है आपका। और like अगर मैं green area की बात करूँ तो project के अंदर ही आपको एक बहुत बड़ा park मिल रहा है, plus आपको open areas भी यहाँ पे मिल रहे हैं। Security की अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पे मेन एंट्रेंस पे ही आपको सिक्योरिटी मिल जाती है। फर्स्टली तो आपको पूरे एरिया में यहां पे सीसीटीवी कैमरास मिल जाएंगे, प्लस आपको वीडियो कॉल का ऑप्शन भी आपके फ्लैट के अंदर मिल जाता है। तो लाइक आपके सिक्योरिटी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। आपके जितने भी यहां पे फ्लैट्स हैं ना, वो आपके सारे कॉर्नर फ्लैट्स रहेंगे एंड सारे पार्क फेसिंग फ्लैट्स रहेंगे। तो आप जैसे ही अपने घर से बाहर निकलेंगे, बालकनी में जाएंगे, तो आपको ग्रीन ही ग्रीन दिखने वाला है सारी जगह। तो मतलब बहुत अच्छी ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। आप यहाँ पे इस लोकेशन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। लोकेशन है आपकी जरकपुर, एंड अगर मैं यहाँ पे नियर बाई हॉटस्पॉट्स की बात करूँ, बहुत सारे हॉटस्पॉट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लाइक आपका पारस डाउनटाउन हो गया, आपका मानव मंगल स्कूल हो गया, आपका KFC हो गया, बर्गर किंग हो गया, सारे आपको यहाँ पे नियर बाई में मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। आपके प्रोजेक्ट के साथ में आपको 2 major हाईवेज मिल जाते हैं। फर्स्ट इज़ योर PR7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड, सेकंड इज़ योर अंबाला दिल्ली हाईवे। तो लाइक आप यहां से डायरेक्टली जहां भी आपको जाना है आप इजीली जा सकते हैं। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए, जल्दी जल्दी हमें कॉल कीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।